So hello friends, once again back my channel Let's Learn English. So आइए friends समझते हैं कि last day में हम लोग जो है कुछ words किए थे, वो word याद है या नहीं है, हम लोगों का recall हो पाया या नहीं हो पाया. तो आइए समझते हैं friends को last day वाला word थोड़ा सा fresh कर लेते हैं, means ताजा कर लेते हैं. फ्रेंड्स फर्स्ट वर्ड था फ्रेंड्स रेस्टिट्यूट का. रेस्टिट्यूट का हम इसको याद कैसे किए थे, रेस्टिट्यूट को याद किए कि रस्सी टूट गया तो रेस्टिट्यूट देना होगा. मीन्स किसी का रस्सी तोड़ दोगे तो आपको रस्सी के बदले रस्सी देना पड़ेगा या देना होगा या उसके बदले में कुछ देना होगा, मीन्स मुआवजा देना होगा. फ्रेंड्स इसको याद किए थे रेस्टिट्यूट को, रस्सी टूट गया तो आपको रेस्टिट्यूट देना होगा, रस्सी टूट गया तो आपको रेस्टिट्यूट देना पड़ेगा. नेक्स्ट वर्ड था फ्रेंड्स हम्पर. हम्पर का मतलब होता है फ्रेंड्स बाधा, मीन्स प्रतिरोध, बाधा डालना या बाधा देना, तो बाधा होता है. तो क्या करेंगे हम्पर, यानी किसी के ऊपर कोई बाधा डाल देना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, तो बोलेंगे हम्पर बाधा मत डालो, तो हम्पर हो जाएगा, बाधा हो जाएगा, उस काम में बाधा हो जाएगा. फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है अम्प्टीन. अम्प्टीन का मतलब होता है फ्रेंड्स अनेक. अम्प्टीन का मतलब अनेक. देखेंगे एमपी से याद किए थे फ्रेंड्स, एमपी में टीन, टीन मतलब जो टीन होता है, एमपी में बहुत सारा टीन है, तो अम्प्टीन एमटीन है, मीन्स एमपी में टीन अम्प्टीन है, मीन्स अनेक है. हर्डल फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड था हर्डल. हर्डल को यूज किए याद किए थे कि हर के दिल में, हर का दिल में बाधा नहीं डालना चाहिए, ठीक है, हर के दिल में, किसी के दिल में भी बाधा नहीं डालना चाहिए, मीन्स हर्डल नहीं देना था, अवरोधक नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट था फ्रेंड्स नेटल. नेट में अगर हम फंस जाते, नेट मतलब जाल, अगर जाल में किसी को फंसाओगे तो वो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, तो नाराज करना, नाराज होना, किसी को नाराज मत करो, नेट में फंसा के नेटल मत करो, उसको नाराज मत करो. नेक्स्ट वर्ड था फ्रेंड्स गिल्ली. गिल्ली में क्या था प्रसन्नता, मीन्स प्रसन्नता, मीन्स खुशी, हैप्पी. फ्रेंड्स गिल्ली, गिल्ली को गली से याद किए थे, गली में गिल्ली बहुत होता है, गले में गिली बहुत होता है, मीन्स बहुत खुशियां होता है, बहुत लोग जो है ना प्रसन्न खुशी रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्नता रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं. नेक्स्ट वर्ड याद किए थे फ्रेंड्स अप्राइज. अप्राइज वर्ड तो था फ्रेंड्स, मीन्स अप्राइज का मतलब बतलाना होता है, मीन्स आपको स्कूल में प्राइज मिला, जैसे ही प्राइज मिला घर गए आप अप्राइज कर दिए, मम्मी को बता दिए, मीन्स प्राइज जो मिला था उस प्राइज को मम्मी को बता दिए, तो आपने क्या किया प्राइज मिलते, मीन्स प्राइज मिलते ही अपने मम्मी को अप्राइज कर दिए, मीन्स बता दिए, बतला दिए. नेक्स्ट वर्ड था प्लेथोरा. प्लेथोरा का मतलब होता है अधिकता, अधिकता मीन्स अधिक, एनफ काफी, मीन्स प्लेथोरा मीन्स थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके जमा करो तो आपका प्लेथोरा हो जाएगा. नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लेकेट. प्लेकेट में क्या था प्लेट में एट करोगे, एट मतलब खाना, प्लेट में अगर खाना एट करोगे तो आपका भूख क्या हो जाएगा, प्लेकेट हो जाएगा, मीन शांत हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड किए थे फ्रेंड्स इनकार्नेट. इनकार्नेट का मतलब होता है अवतार, अवतार होना, अवतार लेना. फ्रेंड्स इनकार्नेट आपको पता है तेलंगाना को कितनों ही पर मीन्स ना 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 करते करते एक नया स्टेट बन गया, मीन्स 2014 के आसपास ने, सो इनकार्नेट हो गया, मीन्स इनकार्नेट तेलंगाना एक नया राज्य बनकर उभर गया, तो इनकार्नेशन हो गया, मीन्स इनकार्नेट हो गया. नेक्स्ट वर्ड था फ्रेंड्स संक्षिप. संक्षिप को बोलते हैं लेकोनिक. फ्रेंड्स लेकोनिक लेख है टाइम, तो आपको लेकोनिक स्पीच देना होगा, मीन्स संक्षिप स्पीच देना होगा इसको. यही से चार लेटिन. चार लेटिन को याद किए थे फ्रेंड्स धोखेबाज होता है चार लेटिन, जो धोखेबाज होगा उसको चार लात दे दो और चार लेटिन कर दो, मीन्स वो धोखेबाज है, उसको धोखेबाज को चार लात मारकर चार लेटिन कर दो, मीन्स उसको हटा दो, मीन्स चार लात दो और धोखेबाज को हटाओ. फ्रेंड्स इस तरीके आज का वर्ड देखेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं.
तो फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स आज का, वो है ओसिलेशन। ओसिलेशन, ओसिलेशन का मतलब होता है कंपन, मीन्स डगमगाना, कंपन या डगमगाना। फ्रेंड्स ओसिलेशन, ऐसे लेट आने वाले लोग का नौकरी ओसिलेशन होता है, मीन्स डगमगाता है, मीन्स कंपन होता है। तो यहाँ डगमगाएगा उसका नौकरी जाने का लगता है, मेरा अगर लेट से आएंगे यहाँ पे, लेट से पहुंचेंगे तो मेरा, हर दिन लेट से आएंगे तो मेरा नौकरी क्या होगा, ओसिलेशन होगा, डगमगाने लगेगा। एक दिन हो सके बॉस निकाल दे सकता है जॉब से। तो ओसिलेशन, ओसिलेट, ओसिलेशन से ओसिलेट करेंगे, मीन्स डगमगाने लगेगा आपका जॉब। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी का मतलब होता है नर्क, नेक्रो, नेक्रो मीन्स नर्क, नेक्रोमेंसी। आपको यहाँ पे निमोनिक्स जोड़ के बता रहे हैं, याद होगा। सो नेक्रोमेंसी, नर्क में मेंसी, नर्क में मेन, लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, नर्क में मेन, यहाँ से देखेंगे नर्क और यहाँ से देखेंगे मेन, नर्क में, देखो नर्क में, नर्क मेन में क्या होते हैं, ब्लैक मैजिक होते हैं, मीन्स नर्क में जो मेन है उन लोग क्या करते हैं, काला जादू करते हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे डेसिकेट। फ्रेंड्स डेसिकेट में डबल सी होगा, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, डेसिकेट में देश का सी डबल लिखना है, सी याद रखिएगा, केक जो है सी होगा, डबल सी होगा, डेसिकेट होने लगता है, मीन्स सूखने लगता है। हम लोग अपने से बनाते हो केक नहीं रहेगा जा, देखें वो क्या है, ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, वो सूखने लगेगा, अपने से बनाओ। लेकिन उन जो जो पहले से वो सब जो बनता है, जो लोग बनाते हैं, वो केक ज्यादा खिल रहता है, उसे कोई सूखा नहीं होता है, मतलब याद करना है, कोई ऐसा नहीं। फ्रेंड्स तो देसी केक मीन्स देश का केक, देश का केक, देसी केक, देश का केक, देसी केक हो जाता है, मीन्स सूखना। लोकसियस, लोकसियस का मतलब होता है बातूनी, बड़ा, मीन्स बात बहुत ज्यादा बोलना, बक बक करते रहना, मीन्स लोकसियस। लोकसियस को याद करेंगे लोक में, लोक में लड़के लोग, गर्ल लोग लोकसियस होते हैं, देखेंगे महिला लोग क्या होते हैं, लोकसियस होते हैं, उसे बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, तो लोकसियस मीन्स बातूनी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है बबल। बबल मीन्स होता है बड़बड़ाना। बबुल गम आप सुने हैं, बबुल गम, बबुल गम खाकर, बबुल गम खाकर बबल करते रहते हैं, मीन्स बबल करते रहते हैं, मीन्स मीन्स बड़बड़ाना, बड़बड़ाते रहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पर्न। स्पर्न, स्पर्न का मतलब होता है माना करना। माँ ने अपने बच्चे को छत के ऊपर रन कर रहा था, बोले स्पर्न, इस पर रन मत करो, इस पर रन मत करो बाबू, गिर जाएगा, मीन्स उसको क्या कर रहा है, मना कर रहा है, मीन्स स्पर्न, मीन्स स्पर्न, स्पर्न मीन्स, स्पर्न मीन्स इस पर रन मत करो बाबू, तो बच्चे को स्पर्न कर रहा है, मम्मी स्पर्न कर रहा है बच्चे को, मीन्स मना कर रहा है दौड़ने से, इस पर मत दौड़ो। फ्रेंड्स नेक्स्ट है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड एक फोन होता है फ्रेंड्स, और एक एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड फोन जो वही लोग लेते हैं जो एंड्रॉइड होते हैं। एंड्रॉइड का मतलब चतुर होते हैं, जो तेज होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो लेते हैं एंड्रॉइड, मीन्स एंड्रॉइड फोन, मीन्स एंड्रॉइड फोन वही लोग लेते हैं जो एंड्रॉइड होते हैं, एंड्रॉइड का है और उसमें डार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रूज। ऑब्स्ट्रूज का मतलब होता है कठिन, किसी चीज को कठिन, मीन्स विश्वास करने में कठिन है, जो सच है उसको कठिन, मीन्स उसको विश्वास करना कठिन हो जाता है, मीन्स अब है ट्रू, अब है ट्रू, उस चीज को ऑब्स्ट्रूज करते हैं लोग, उस चीज को विश्वास करने में कठिन समझते हैं, मीन्स उसको जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, मीन्स ऑब्स्ट्रूज अब है ट्रू, इसको ऑब्स्ट्रूज मत करो, कठिन मत समझो, ये मतलब जल्दी समझ जाओ, ऑब्स्ट्रूज का मतलब कठिन। दिसमय, दिसमय, दिसमय में, इसमय में, मतलब दिसमय मतलब इसमय में,
रिजल्ट आया, जिन स्टूडेंट पढ़ने में तेज थे उसका रिजल्ट खराब आया, जो स्टूडेंट कमजोर थे उसका रिजल्ट अच्छा आया। तो जिन लोगों तेज पढ़ने में थे उन लोगों का रिजल्ट जो है दसवें में, उन लोग क्या हो गए, दसवें हो गए, मीन्स हताश हो गए, निराश हो गए कि मेरा ऐसा रिजल्ट नहीं आना था, ऐसा रिजल्ट क्यों आया, जो वो पढ़ता नहीं था वो कमजोर था लेकिन हमसे ज्यादा रिजल्ट आया। तो मीन्स दसवें का रिजल्ट निकलते हुए स्टूडेंट दसवें हो गया, मीन्स हताश हो गया कुछ स्टूडेंट। प्रोफाउंड फ्रेंड्स, प्रोफाउंड का मतलब विचार करना और या प्रस्ताव करना, विचार। तो प्रोफाउंड याद करेंगे फ्रेंड्स, पुअर, प्रोफाउंड मीन्स पुअर, फाउंड मीन्स पुअर लोगों को पाया गया, बहुत पुअर लोगों को पाया गया, बहुत पुअर मीन्स गरीब, जो गरीब लोग है उन लोगों के विचार, उन लोगों पर विचार कर रहे हैं सरकार, मीन्स प्रोफाउंड कर रहे हैं गरीब लोगों के पीछे, सरकार प्रोफाउंड कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कुछ उसको दिया जाए अनुदान। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, मीन्स दूर करना, किसी चीज को दूर करना, जिस चीज में आपको दिक्कत होता है उस चीज को दूर किया जाए। फ्रेंड्स अब्सटेन का मतलब अस्ट्रेन, यहाँ से पढ़ेंगे अब्सटेन, मीन्स अब है स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब दर्द, अब है स्ट्रेन, तो आप जंक फूडों को अब्सटेन कीजिए, जंक फूडों को एक्सचेंज करेंगे, मतलब अब्सटेन करेंगे ट्रेन, यहाँ से देखें अब्सटेन करेंगे तो आपका वो दर्द अब्सटेन हो जाएगा, मीन्स दूर हो जाएगा, ठीक है, मीन्स अस्ट्रेन जो दूर हो जाएगा, अस्ट्रेन का मतलब दर्द और अब्सटेन का मतलब परहेज करें, जंक फूडों को खाना बंद कर दीजिए तो आपका बीमारी दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट फ्रेंड्स, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, विवेकी, जो मैच्योर कब होता है, जो बच्चे का, छोटे बच्चे का जैसे जैसे दूध मीन्स दूध वाला दांत झड़ जाता है, दूध वाला दांत टूटने लगता है, टूट कर खत्म हो जाता है, न्यू दांत जो बोर्न होने लगता है, पूरी तरीके से सारा दांत हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो विवेक में आ जाता है, लगभग 18 ईयर समझिए, तो 18 ईयर के आसपास बच्चा या कोई वो बच्चा 18 ईयर में आ जाता है तो उसका विवेक हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से याद करेंगे प्रूडेंट मीन्स प्रूडेंट, पूरे दांत, प्रूडेंट मीन्स जिसके पूरे दांत बोर्न हो गए, वो जिसका पूरे दांत आ गया, तो वो व्यक्ति कैसा है, वो स्टूडेंट या वो बच्चे कैसे है, विवेक है, मीन्स जो पूरे दांत होने से बुद्धिमान हो जाते, मीन्स बुद्धिमान हो गया, विवेकी हो गया, अब उसको दिक्कत नहीं है समझने में, सो प्रूडेंट मीन्स पूरे दांत उग गए, पूरे दांत जन्म हो गया। इस तरीके से फ्रेंड्स देखें आज का वर्ड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में और नए वोकैबुलरी के साथ में, थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं।